मजबूती के लिए जो जिला अध्यक्ष आए थे उनके साथ बैठक की। करीब 5 प्रमंडल के लोक संगठन के लोग आए थे, निर्देश दिया गया है। नमस्कार, IVTV देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास के बाहर, जहां उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें पूर्व MLA, MLC सहित जितने भी RJD के नेता हैं सारे लोग शामिल हुए हैं। अभी इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी नेता मंत्री हैं सारे लोग जो हैं, अभी जो बैठक है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। सारे लोग धीरे धीरे जो हैं बाहर निकल रहे हैं। लोगों से हमने जानने की कोशिश की है, कुछ लोग जो हैं वो जवाब देने से कतरा रहे हैं, जितने भी नेता मंत्री हैं। और आपको बता दें कि लालू यादव जो हैं अपनी पत्नी लावी देवी के साथ आज देवघर निकल गए हैं, और इसके बाद ही जो डिप्टी CM तेजस्वी यादव वो पार्टी के नेताओं के साथ ये जो बैठक है, हम बैठक बुलाए हैं। और दरअसल आपको बता दें 2024 में होने वाली जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें काफ़ी कम दिन ही रह गए हैं, और विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी दल भी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। BJP का केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का लेकर जो BJP की तमाम पार्टियाँ हैं वो एकजुट हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियाँ हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और आज जो है इस मीटिंग का पहला दिन था। और जो हमने बात की है और पता चल रहा है कि मीटिंग जो है वो 2 दिवसीय है। कल भी मीटिंग होने वाला है, कल मीटिंग का दूसरा दिन होने वाला है, और क्या कुछ निकल के मीटिंग में सामने आता है वो आपको हम बताएंगे। और इसी बीच में पता चला लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी महीने शेष रह गए हैं उसकी तैयारियों को लेकर के जो है वो मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, अभी आवास के बाहर हर जो कुछ मंत्री हैं वो निकल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ऐसे में ये भी नारा सामने निकल कर के आ रहा है कि जीतेगी इंडिया और हारेगी BJP। जी हाँ, ऐसे में ये नारा भी सामने निकल कर के आ रहा है, और देखने वाली बात ये होगी अब कि कल जो दूसरी मीटिंग है, इस मीटिंग में क्या कुछ जो और बातें हैं वो शेष निकल कर के सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IVTV पे। मैं हूँ मौसम झा, कैमरामैन सोनू के साथ, धन्यवाद। मीटिंग क्यों बुलाई गई, क्या चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार उन्होंने मुलाकात की है तो यहाँ बैठक बुलाई जा रही है? मीटिंग में सर, मीटिंग में क्या कुछ आदेश दिया गया? अहम बैठक जो बुलाई गई है क्या कुछ वजह है, पूरा सा बता दीजिए संक्षेप में। आप तो ऐसे नहीं करते थे सर, पूरा बता दीजिए। 2024 चुनाव को लेकर के क्या ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ मंथन हुई है? छोड़ नीचे कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो मुलाकात किए हैं ये सारे चीजों पर बोलेंगे नेता भाई। हम कह रहे हैं कि संगठन की मजबूती के लिए बैठक, बाकी चीज पर कौन बोलेगा भाई? बोलेंगे क्या, कोई दिशा निर्देश भी दिए गए? कोई दिशा निर्देश नहीं, संगठन की मजबूती के लिए जो जिला अध्यक्ष आए थे उनके साथ बैठक थी। करीब 5 प्रमंडल के लोक संगठन के लोग आए थे, उनको दिशा निर्देश दिया गया है। भाई सारे लोग कह तो रहे हैं कि 5 प्रमंडल के सभी माननीय विधायक, पूर्व विधायक, माननीय विधान परिषद के सदस्य, पूर्व विधान परिषद के सदस्य, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष, सारे लोग थे। अब सारे लोगों के साथ बैठक हुई, प्रवक्ता गण लोग थे। अरे हमारे नेता ने ऐलान किया है लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें कहाँ कोई है इफ बट का सवाल। साथ लड़ेंगे, 24 में सफाई है, साथ लड़ेंगे ना। पूरा मजबूती के साथ लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। कह रहे हैं कि भाई इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, कहीं कोई इधर उधर का सवाल नहीं है। नहीं बोलेंगे, काहे जबरदस्ती कर रहे हो यार। प्रवक्ता